वेट 1 किलो 3 दिन में वहाँ तक और सामने पूरे पे सीलन हो रखी, क्योंकि अब घर पर आ रहूँगा और बीमार होता रहूँगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। वैसे मैं खुद ही वेल नहीं हूँ, ठीक है। मतलब कल रात को मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया होगा, 2 दिन से बारिश हो रही है। कल रात तो पूरे दिन इतनी बारिश रही ना, सुबह से और शाम तक। मतलब मेरे हिसाब से रात के 2-3 बजे तक बारिश रही है, बारिश रुकी ही नहीं है। और तो भाई फिर मैं सोया मेरे ख्याल से रात के 12 बजे, और अभी मेरे को हो रहा है बुखार बहुत गंदे वाला। मतलब मैं जब सो रहा था ना, तो रात को मेरे को जैसे शरीर में टूटन सी महसूस होती है, तो मेरे को लगा कि मैंने मतलब पिछले उससे पहले ना, एक दिन छोड़ के पहले चेस्ट मारी थी, तो मेरे ना दर्द हो रहा है। मतलब तकिया लगा रखा था नीचे, दर्द हो रहा था। मैंने कहा यार वैसे हो रहा होगा चेस्ट की वजह से। भाई वो दर्द इतना बढ़ता चला गया पैरों से लेके हाथों में, सिर में, बहुत गंदा हो रहा है। फिर मैं मतलब हल्की सी अब भी होने लग गया हल्की, फिर मैं सोता ही रहा। मतलब मैं चुप करके कंबल में लोटा रहा, ठंड भी लगी हल्की हल्की। फिर मम्मी को फ़ोन किया मैंने सुबह 8-9 बजे, फिर मम्मी ने मेरे को क्रोसिन दी, क्रोसिन लेके मैं फिर सो गया। अभी थोड़ा आराम है मेरे को, पर मतलब सही नहीं हुआ हूँ अभी। मैं अभी देखो पूरा पैक हो गया हूँ। अब यहाँ भी अभी भी हवा चल रही है, रोड देखोगे गीले हो रखे। मैंने कहा यार एक बार हॉस्पिटल जाके ना मेरे को दवाई लेके ही आनी पड़ेगी, क्योंकि अब घर पर आ रहूँगा और बीमार होता रहूँगा। कहीं ओमिक्रॉन ना हो गया हो मेरे को। नहीं, ओमिक्रॉन नहीं है, मतलब फीवर ही है, और ये हुआ बारिश की वजह से। और मेरे को ठंड भी लगी रात को थोड़ी सी ना। वैसे तो मैंने कंबल ओढ़ रखा था, पर लग जाती है यार, अब हम इतना ध्यान फ्यान नहीं रखते। और दवाई लेता हूँ फिर बताता हूँ क्या कह रहा है डॉक्टर। दवाई दिए गाई, ये पैरासीटामोल है, ये दूसरी का नाम कट रहा है तो मेरे को पता नहीं है। ये 2 बार लेनी है 3 बार लेनी है दिन में, वो 1 बार लेनी है ऊपर वाली। दवाई दे दी है, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं डॉक्टर कहता, मेरे को भी पता है इतना है नहीं, क्योंकि क्रोसिन से कम हो गया मेरा। पर फिर भी तो ना, वहाँ 2 डॉक्टर बैठे थे, तो एक के पास तो पेन नहीं था जिससे मैं मतलब दिखा अपनी पर्ची थी जिसको मैंने, तो दूसरे डॉक्टर से पेन मांग रहा, आपस में वो लड़ने लग गए। वो उसको पर्ची ले रहा है कि मैं लिखूँगा, वो कह रहा है मैं लिखूँगा। फिर हो गया लास्ट में, लिख दिए, दवाई भी ले लिए। अभी घर जाके दवाई लेके कुछ खाऊंगा, पहले तो मैं खाली पेट हूँ ना, रेस्ट करूँगा। सिर में इतना दर्द हो रहा है ना, तो अब मोस्टली आपको तब मिलेंगे जब हम सही हो जाएंगे गाइस, क्योंकि ऐसे बीमारी में आपको भी क्या ही मज़ा आएगा ब्लॉग देखने में, समझ रहे हो। मिलते हैं। हेलो गाइस, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। 3 दिन हो गए हैं अपने को बुखार को आए हुए, आज 3रा दिन है। 2 दिन से मतलब सो ही रहा हूँ मैं। जिस दिन मेरे को बुखार था उस दिन, वो लास्ट वाली क्लिप देखी ना आपने, उसके बाद अब ये क्लिप है, सो ही रहा हूँ। अब जाके बुखार उतरा है। 4 दिन से बारिश ही आई जा रही है, अभी भी मतलब मौसम काले बादल हो रखे हैं, बट बारिश नहीं आ रही, हवा चल रही ठंडी ठंडी। तो नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। अभी भी एक गोली ली है सुबह सुबह मैंने, कि दोबारा ना आ जाए। हवा चल रही, कपड़े पहन रखे हैं ठंडी ठंडी। वेट 1 किलो 3 दिन में 1 किलो वजन घट गया है मेरा, क्योंकि उसका कारण ये कि खाया ही कुछ नहीं, अनार खा रहा हूँ और रोटी तो एक ही खाई है बस मैंने मेरे ख्याल से 2 दिन में, और मतलब लिक्विड में चीज़ें खा रहा हूँ, उसकी वजह से विश्वास नहीं हो रहा। दिखाता हूँ, चलो। लाइट नहीं आ रही इसलिए इसको बाहर लेके चलेंगे हम। देखो 0 रुपये कांटा, जूती से चढ़ जाता हूँ, चलो मेरे को भी नहीं दिख रहा यहाँ से। ओ माई गॉड गाइस, मेरा वेट था 73, अभी ये 71 है, दिख रहा है ना, 2 किलो। इट्स इम्पॉसिबल, अच्छे से देख लो। अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया हुआ, बाहर इन्होंने गेट बंद कर रखा है 14 तारीख तक, मतलब बाहर नहीं जा सकते आप, ट्यूशन का बहाना लगा के जा सकते हो, लेकिन हॉस्पिटल जाना है।
रिया को दिखाने किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए पहले यहाँ से इस वाले हॉस्पिटल से वो रेफरेंस लिखवाना पड़ता है, फिर गेट पर दिखा के जाएंगे। क्योंकि हॉस्पिटल अच्छा है ये, पर कुछ चीज़ें इसमें कुछ डॉक्टर है नहीं इसमें भी, मतलब ऐसा ही है, हर चीज़ नहीं मिलती ना इस जगह, तो बाहर करानी पड़ेगी। और गाइस देखा आपने, मतलब कल मैंने देखा था तो कल मेरा 1 किलो कम था, आज सुबह खाली पेट में भी इसी वजह से 2 किलो आ रहा हो। देखो झूठ नहीं बोलता मैं, सही बोल रहा हूँ, जितना भी कह सकता है 2 किलो घट गया, पर कुछ नहीं गाइस, मसल मास लॉस होता है और कुछ नहीं होता है, भी फीवर हो जाता है ना, मैं बहुत तबीयत ख़राब रहती है, तो सर्दियों का टाइम है, कपड़े पहन के रहा करो, बी सेफ, क्योंकि कुछ नहीं है गाइस। और 4-5 दिन से बारिश हो रही है, अभी भी काले बादल हो रखे हैं, वेदर में तो दिखा रहा है 100% रेन, हो नहीं रही है पता नहीं क्यों, ना हो तो ही अच्छा, 4 दिन से हो ही जा रही है। बस यही है, मैं लिखवा लेता हूँ, उसके बाद आपको बाहर कहीं गए तो घुमाएंगे, क्योंकि मैं ही बोर हो रहा हूँ, आप भी बोर हो रहे होंगे। हाल चेक कर लो भाई, दीवारों पे सीलन हो रखी है यहाँ सारे में, गाइज मैंने ये चीज़ बताने नहीं वाला था, पर आई एम ए ट्रू यूट्यूबर, ट्रू व्लॉगर, मैं आप लोगों से कुछ नहीं छुपाता। ये ऊपर देख रहे हो सीलन हो रखी है पूरे, मुझे नहीं है यहीं पर हो रही है, वहाँ पे भी, वहाँ से लेके वहाँ तक और सामने पूरे पे सीलन हो रखी है, नीचे देखो सारा फ्लोर पानी पानी हो रखा है। अभी मेरे को, मैं यहाँ बैठा ना, मेरे ऊपर बूंद आई तो मैंने ऊपर देखा क्या हो रहा है, सीलन है, मतलब हॉस्पिटल में देखो ये हाल हो रखा है BSF का। तो भाई गवर्नमेंट कामों को या सरकार को कुछ करना चाहिए, सो बैड, डिसअपॉइंटेड। रेफरेंस करा लिया गाइस, ग्रेट सक्सेस गाइस, तो सॉरी आज के बाद मैं कभी नहीं कहूँगा कि बारिश नहीं आएगी, क्योंकि मेरी इज्जत कभी मेरे घर वालों ने नहीं की, ये भगवान क्या करेगा, मतलब मैंने कह दिया ना कि अब बारिश नहीं आएगी तो भगवान क्या, तूने कैसे कह दिया, अब तो ज़रूर आएगी, तू कौन होता है, तो माफ़ करो भाई प्लीज़, इतनी तेज़